हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीत दंगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज है माँ लक्ष्मी पूजा का दिन है और इसे दिवाली के नाम से ही जानते हैं, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जा रहा हूँ मार्केट के लिए, तो थोड़ी देर बाद मैं निकलने वाला हूँ। अभी मम्मी और भैया हमारे यहाँ पहुंचे हुए थे। आज मेरी वाइफ का बर्थडे था तो सेलिब्रेट किए हैं, थोड़ा सा ज्यादा तो कुछ खास नहीं किए हैं क्योंकि आज पता है कि आज माता लक्ष्मी जी का पूजा है, तो हम लोगों ने विशेष कुछ तैयारी नहीं किए थे। अब पार्टी ऐसा हम लोग ऐसा कुछ मनाया नहीं है, केक वगैरह हम लोग थोड़ा सा काट लिए हैं। अच्छा लगा, आज मैं जा रहा हूँ मार्केट के लिए, तो हो सके तो मैं अपनी वाइफ को लेकर जाने वाला हूँ। एक दो सामान कुछ कुछ लेना था, हम लोग धनतेरस के दिन नहीं जा पाए, तो आज मैं लेने के लिए जाऊंगा और हो सके तो आज दिखलाऊंगा कि माहौल कैसा रहेगा शाम को। और मार्केट में तो आपको दिखाने ही वाला हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे गौरी गौरा पूजा का आयोजन भी होता है, वो तो कल आपको देखने को मिलेगा। अब गांव में किस तरह से मनाया जाता है वो सब आपको आने वाले वीडियो में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। अभी मैं टाइम की बात करूं तो दोपहर के लगभग अभी 1 बज चुके हैं और थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं, तो चलिए आपको मार्केट में मिलेंगे। गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं भिलाई दिन मार्केट के लिए, थोड़ा सा कुछ कुछ सामान लेना है दिवाली के लिए। भिलाई दिन जो है हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर में, बस 2 मिनट लगने ही वाले हैं। और थोड़ा बहुत तो माहौल देखने को मिलेगा, इस बार पिछले साल तो नहीं मिल पाया था लेकिन इस बार मिलने वाला है। आप भी बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे दिवाली इस बार, तो पिछले साल कोरोना की वजह से तो अच्छे खासा नहीं मिल पाया था। और ये वाला बिल्डिंग तो मैंने कई ब्लॉग में आप लोग को दिखला चुका हूँ, और यहाँ पे जस्ट सामने में स्कूल भी है जो भी ढककर रखे हुए हैं। तो आप लोग के में से किसका किसका शॉपिंग हो गया है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं तो अभी जा रहा हूँ, मैं तो इस साल पटाखा भी नहीं लिया हूँ, तो हमारे भांजा आने वाला है भाई दूज के दिन, तो कोशिश करूँगा उस दिन लेने के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है उन लोग को तो ज़रूरत पड़ता ही है। ये टाकीज है, उसका टाकीज फिलहाल अभी बंद है, और जैसे ही खुला है तो बंद हो गया क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ था। और ये है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दूर का, सामने एटीएम है तो वहाँ से मैं पैसा निकालने वाला हूँ, क्योंकि पैसा अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, तो देखता हूँ निकालने वाला हूँ मैं। फिर आज दिवाली का शॉपिंग करेंगे भाई थोड़ा बहुत। अरे यार, एटीएम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे सामने वाले में देखते हैं, इसी वाले में जगह जाने वाला था मैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भीड़ भाड़ नज़र आ रहा है, और देखते हैं सामने में अगर होगा तो निकाल के लाता हूँ मैं। अपन चलते हैं चौक में, चौक में देखने वाले हैं। यहाँ से राइट लेना था मुझे मार्केट के लिए, लेकिन मैं अब एटीएम जाना है करके सामने ही जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्योंकि चौक के उस पार में है। यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह लगते हैं गुपचुप वगैरह के, शाम के समय माहौल बनता है, फिलहाल अभी कोई खास माहौल नहीं है। ये चौक आ चुके हैं हम लोग। गाइस, तो यहाँ पे सामने में है सिरसा गेट, वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है, सामने में है एटीएम, तो अपन यहाँ से पैसा निकालने वाले हैं। वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, रोड क्रॉस करना पड़ेगा। मैं मार्केट में थोड़ा सा गया हुआ था, वहाँ पे सामने में ही था, मैंने सिक्का ले लिया है, और अभी थोड़ा सा और कुछ कुछ काम बचा हुआ है वो देखते हैं। तो इस साइड से मैं आया हुआ था, अब इस साइड अपन को चलना है सीधे सीधे। मिठाई दुकान वगैरह में तो भीड़ भड़ा कर लगा हुआ है, जैसे कि इधर सामने स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। चलिए मार्केट के अंदर अपन चलते हैं। मेन मार्केट थोड़ा अंदर में ही है। देखो पूरा सामने जाम लगा हुआ है, ये शोरूम है भाई, तो गाड़ी आज भी निकलता है आज के दिन में। और ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से अपन लेते हैं राइट। गाइस, तो भिलाई दिन मार्केट में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे फल वगैरह सब मिल रहे हैं। अभी हमको जो सामान लेना है उस साइड अपन चलते हैं, सामने साइड में यहाँ पे रंगोली वगैरह भी है, और इस साइड में पटाखे की शॉप लगे हुए हैं, और ये है भाई रंगोली जिसे आप कलरफुल बना सकते हैं। गाइस, तो यहाँ पे सजावट के लिए फूल वगैरह मिल जाएंगे, फूल है, अगरबत्ती है, और पीछे साइड में है मिठाई के शॉप लगे हुए थे। यहाँ पे देखो सुंदर सुंदर फूल है, आज माता रानी के लिए आप ले सकते हैं, वाह सुंदर सुंदर ये। गाइस, जो भिलाई का जो शॉप है ना वो भी काफी बड़ा शॉप है, और यहाँ पे नंदी बैल है सुंदर सा,
अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं ना, तो आप भिलाई तीन में भी मार्केट कर सकते हैं। वैसे तो मैं भिलाई तीन में अक्सर मार्केट करता हूँ, और आसपास में अगर देखा जाए तो पावर हाउस भी मार्केट भी है और दुर्ग भी है। आप जहाँ से भी लेना चाहते हो, यहाँ पे कपड़े की शॉप है, एंजल कलेक्शन। घर के लिए अपन झाड़ू देख रहे हैं आज, और इधर मस्त फूल वगैरह भी है, आप देख सकते हैं, फूल है, लाई है, बताशा है, और माता रानी के फोटो भी है। फिर से मार्केट जा रहे हैं, दूध लेना था, दूध हम भूल गए, मेन चीज़ तो वही था। जब आज हम लोग के यहाँ थोड़ा सा खीर या सेवई जो भी बनता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ खीर बनता ही है। सामने में ही है उनका शॉप है, देखते हैं शाम को समय मिल पाता है कि नहीं मिलता है। वैसे तो मैं सुबह टाइम अक्सर लेता हूँ, क्योंकि शाम को जो समय मिलता है ना तो 6-7 बजे के टाइमिंग में मिलता है। अभी अगर टाइम की मैं बात करूँ तो अभी 4:30 होने ही वाले हैं, और आज का जो मौसम है ना, तो आप देख सकते हो थोड़ा चेंज हो गया है, हालांकि बारिश तो नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं, इसी साइड मुड़ना है आपका, राइट साइड। तो मार्केट से मैं आ चुका हूँ, जस्ट 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचा हूँ, और जस्ट रंगोली का काम इस साइड में हो रहा है। तो आज है लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी पूजा के दिन आज हम लोग मतलब घरों में, दूसरे के घरों में दिया छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ये जो परंपरा चल रहा है, क्योंकि हम लोग अपने बड़ों से सीखे हुए हैं, तो उसी को हम लोग मानते हुए अभी चल रहे हैं। तो जैसे दूसरे के घर छोड़ने जाते हैं, उन लोग भी यहाँ पे छोड़ने के लिए आते हैं। अब ये शहरों में होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे गांव में ये परंपरा शुरू से चल रहा है, तो इसी को हम लोग अपनाते हुए अभी भी चल रहा है। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, तुलसी चौरा है, तो उन्हीं के पास छोड़ते हैं, दिया जलाते हैं। तो हम भी आ जाएंगे, और कैसे किया जाता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज भी घरों घर रंगोली बना रहे हैं, छोटी छोटी गुड़िया यहाँ पे बना रहे हैं हमारे घर के बगल में, ये वाला बना रहे हैं, तो हमारे घर में ऐसा बनता है। तो तैयारी चल रहा है दिया छोड़ने के लिए। ये दिया है, हमने तो लगभग 20-25 दिए रख लिए हैं, साथ में ये तेल रखा हुआ है, और ये साथ में रुई है। अभी क्या कर रही है? इसके लिए बाती बना रही हूं। अच्छा, तो ये सब कर रही है, क्योंकि इसको कंप्लीट करके जाना पड़ता है, क्योंकि घर क्या है दूर दूर में ना, तो मुझे दिक्कत होता है पैदल में, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक निकाल के जाऊँगा। अगर साथ में छोटा वाला भाई रहता है ना, तो दोनों साथ में जाते हैं, मैं अकेला हो गया हूँ करके ना बाइक में जा रहा हूँ। कुछ मंदिर में छोड़ना भी पड़ता है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ फैमिली रिलेटिव है, और कुछ कुछ हमारे जान पहचान के हैं, उसके हम छोड़ते हैं। तो बस थोड़ी देर में अपन निकलने ही वाले हैं, तो आप देख सकते हैं, बाकी वहाँ जाकर मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। तो मैं फर्स्ट दिया अपने ठाकुर देवता में छोड़ने के लिए आया था, यहीं पे होता है गौरी गौरा पूजा होता है, ये मंच है हमारे गांव का है, और यहाँ पे गाना भी चल रहा है। अभी हमारे फैमिली के यहाँ सब जाना है छोड़ते हुए, तो धीरे धीरे सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। गाइस, तो ये है माँ परमेश्वरी माता मंदिर हमारे गाँव का है, और यहाँ पे हम दिया छोड़ चुके हैं। हाँ दादा, अभी मैं शीतला मंदिर जा रहा हूँ, इसके पहले मैं गया हुआ था माँ परमेश्वरी माता, वहाँ भी मैं गया हुआ था, और कुछ फैमिली रिलेटिव के यहाँ भी जा रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो एडजस्ट करिएगा। और माहौल देखिए, ये भवन है, शादी भवन है, ये यहाँ पे अक्सर कार्यक्रम वगैरह होते भी है। तो सामने में है हमारे गांव का शीतला माता, तो वहाँ भी चलते हैं। ऐसा आप लोग छोड़ते हो तो बताइएगा कमेंट करके हमें। गाइस, तो मैं छोड़कर आ चुका हूँ दिया, मैं मंदिर में भी गया था, कुछ फैमिली के यहाँ भी गया हुआ था, हमारे यहाँ कुछ फैमिली भी पहुँचे हुए थे, और मैं जब छोड़ने के लिए गया हुआ था तो मुझे वापसी में टाइम हो चुका है, तो मैं किसी को दिखला नहीं पाया हूँ। और हमारे घर में आज क्या बन रहा है वो देखते हैं। दिवाली के दिन तो कुछ ना कुछ तो बनता ही हमारे यहाँ, वैसे तो मैं मिठाई ला लिया हूँ साथ में, और कुछ कुछ पकवान बन रहे हैं घर में, दिखलाते हैं। वैसे क्या बन रहा है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ बन रहा है अभी पूड़ी बन रहा है, और खीर बनने वाले हैं भाई, तो आज माता रानी के लिए तो प्रसाद के लिए बनता ही है। साथ फल तो मैं एक दो फल लाया हुआ था, अब देखते हैं, उनमें से कुछ फल पहले से रखा हुआ था, कल ही ला लिया था, और आज में है मिठाई है, और खीर रहेगा, पूड़ी रहेगा, तो प्रसाद चढ़ाएंगे आज, और माता रानी का पूजा करने वाले हैं। तो गाइस, पूजा का बस थोड़ी देर में ही तैयारी होने ही वाले हैं,
पकवान बन रहा है, फिर थोड़ी देर में पूजा पाठ करेंगे, पूजा का भी आप लोग को दिखलाएंगे। आज ये देखिए पूड़ी तल रहा है अभी, और इतने सारे पूड़ी रेडी है। अभी हम दिया छोड़कर आ चुके हैं, इनमें से दो ही दिया हमारे पास बचा हुआ है। और खीर बन रहा है ना, खीर रेडी हो गया है क्या? नहीं, अभी टाइम है खीर में थोड़ा सा, तो देखते हैं आपको पूजा के टाइम हम दिखला देंगे। सामने वाला घर में देखिए पूरा लाइट लगा हुआ है, हम लोग नहीं लगाए इस बार। और ये है अपना घर का तुलसी चौरा बोलते हैं, तो दिया जलाने के लिए सब आए हुए थे, अब सब जलाकर चले गए हैं। सामने में है माँ लक्ष्मी माता है, आप देख सकते हैं, और जस्ट ऊपर में है विष्णु भगवान जी हैं, तो हम साथ में पूजा करने वाले हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है, आप लोग को पता है ये गुलाब जामुन है, कुछ मीठा है, और ये लाई है, ये खीर है, और ये पूड़ी है। साथ में फल एक रखे हुए हैं, मैं आज लेकर आया हूँ कि अपना माँ लक्ष्मी गणेश और सरस्वती माता जी का आज चांदी के सिक्के लाए हैं, हर साल की तरह इस बार भी हम लोग लिए हुए हैं। पूजा स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग का पूजा पाठ हो गया है, और एक हम लोग के पास में दो घर है, एक कच्चा मकान है और एक पक्का मकान है, तो वहां पर भी चलते हैं। मम्मी पापा हम लोग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस वाले घर में थोड़ा सा पूजा पाठ किया है, क्योंकि यहां का पूजा पाठ भी करना बहुत जरूरी है, और वहां पे चलते हैं, क्योंकि वहां आने के बाद मुझे टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वीडियो को एंड करने वाला हूं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।